हेलो एवरीवन। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहता हूँ कि फोर्टिज कंपनी के कल इंटरव्यूज हैं। अभी असेसमेंट लाइव है, डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग है जिसकी हायरिंग मैंने कल पोस्ट करी थी। 2023 या उससे पहले वाले बैच सभी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो इसमें मिस मत करना, कल आपके इंटरव्यू हो जाएंगे और आज लास्ट डे है टेस्ट देने की। सो इसकी लिंक आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा फोर्टिज कंपनी की। याद रखना आज लास्ट डेट है, कल इंटरव्यूज हैं, ठीक है? सो डो नॉट मिस टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टीसीएस की तरफ से यहाँ पर दो बिल्कुल नई हायरिंग्स पोस्ट कर दी गई हैं उनके नेक्स्ट स्टेप वाले पोर्टल पर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये किसके लिए होने वाली है? सबसे पहले है टीसीएस एमबीए हायरिंग, दूसरी है टीसीएस इकोनॉमिक्स हायरिंग। अब देखो, ये काफी लोग कमेंट कर रहे थे काफी टाइम से कि एमबीए के लिए कोई हायरिंग पोस्ट करो, ये आप लोगों के लिए काफी बड़ी हायरिंग होने वाली है। फटाफट से मैं आपको एक बार एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो टीसीएस एमबीए हायरिंग इज नाउ लाइव, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 10 मई से और टेस्ट डेट यहाँ पर आपकी 17th, सॉरी रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे 10 मई को और मंडे 17 जून को आपका टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ पर देखो 2023 2024 बैच एलिजिबल है और इसमें सभी फुल टाइम मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एमबीए, एमएमएस, पीजी, डीबीए, पीजीडीएम सभी लोग एलिजिबल हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 100-200 लोग तो होंगे जो एमबीए वाले हैं, वो आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे एक और जो हमें हायरिंग देखने को मिल रही है, ये हमें देखने को मिल रही है टीसीएस की तरफ से, पोस्ट ग्रेजुएट्स इन मैथमेटिक्स, स्टेट्स और इकोनॉमिक्स। सो देखो इसकी एलिजिबिलिटी भी आपको एक बार बता देता हूँ। सो यहाँ पर जो आपको 90 मिनट का टेस्ट मिलेगा वो बात तो ठीक है, बट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, एमएससी मैथमेटिक्स, स्टेट्स और इकोनॉमिक्स वाले एमए इकोनॉमिक्स फ्रॉम ईयर ऑफ पासिंग 2024 इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज टीसीएस एटलेस हायरिंग, ठीक है? टीसीएस की एटलेस हायरिंग है, एमएससी वाले और एमए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। सो ये दोनों हायरिंग टीसीएस की तरफ से पोस्ट करी गई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका भी यहाँ पर जो टेस्ट है वो 17 जून को होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमईटी की। सो एमईटी ने इस बार एक बहुत बड़ा चेंज किया है, इस बार 2024 बैच भी एलिजिबल है। और अगर आप एमईटी को जानते हो तो आपको पता ही होगा कि टेस्ट लिंक्स तो आते ही हैं जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो, ठीक है? सो इंपॉर्टेंट हायरिंग है, ये सब पे मत जाना, बट ये कंपनीज काफी ज्यादा टेस्ट सेंड करती है और इंटरव्यूज के लिए भी बुलाती है। सो वर्चुअल होती है पूरी प्रोसेस। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें जरूर अप्लाई करो, एक काफी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी एमईटी की तरफ से यहाँ पर पोस्ट करी गई है। 2022, 2023, 2024 ये बैच एलिजिबल हैं। एजुकेशन में बीटेक, सीएसआईटी, एमटेक, बीएससी, एमसीए, बीसीए, एमसीए सभी एलिजिबल हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगी, रिवर्ट आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, कंपनी की रेटिंग भी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस हायर कर रही है एनालिस्ट डेटा साइंस के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, बेसिक रिक्वायरमेंट्स यू कैन रीड इन द डिटेल, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मांगी है, बैचलर्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टेट्स और रिलेटेड फील्ड की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मांगी है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे सारी पढ़ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सो ये भी एक अच्छी हायरिंग है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये ग्लोबल की तरफ से। सो ये ग्लोबल यहाँ पर हायर कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया के लिए, एंड ये एक अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, मुझे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है। टेस्ट लिंक उनको रिसीव हो चुका है इसके तरफ से, ठीक है? तो टेस्ट लिंक आ चुका है इसके तरफ से, उन्हीं ने शेयर करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। सो इट इज अ ग्रेट एंड बिग हायरिंग अपॉर्चुनिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया फ्रॉम ये ग्लोबल। पोस्ट अगर आप देखोगे तो 29 अप्रैल को करी गई है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस रिलेवेंट टेक्निकल फील्ड की रिक्वायरमेंट मांगी है, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन की रिक्वायरमेंट लोगों ने मांगी है। आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है, बेसिक सा फॉर्म है विच यू नीड टू फिल। और आपको पता ही होगा जोहो, रिक्रूट, लीवर, ग्रीन हाउस, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे रिवर्ट आता रहता है, ठीक है? सो इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं, आयरिस की तरफ से हमें इंटर्नशिप देखने को मिल रही है, 2 मई को पोस्ट करी गई है, नोएडा जॉब लोकेशन होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।